हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में जो साथी हमारे सेलेक्ट नहीं हुए या जिनका रिजेक्शन का पॉइंट था या रीमेडिकल में उनको अनफिट कर दिया था, उनका पॉइंट था। अब वो कोर्ट केस उन्होंने दाखिल किया, रिट याचिकाएं लगी, पूरे देश में लगी। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने भरोसा किया हमारी न्यायपालिका पे, हमसे भी जुड़े। हमने कहा कि ठीक है, आपका ये पॉइंट है, रिजेक्शन आ गया, आप रिट याचिका लगाइए। और हमारे एडवोकेट्स जो थे उन्होंने भी बहुत मेहनत की ऐसे केसेस में कि उसमें वो केस जीते। अब जीतने के बाद में एक संशय बना हुआ है कि अब हमारा मेडिकल क्यों नहीं आ रहा। उसमें कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनका अभी मेडिकल होगा, उनका रीमेडिकल भी होगा उनका। कुछ हमारे साथी रिजेक्शन वाले जो थे उनका मेडिकल हो चुका है, लेकिन वो मेडिकल कब हुआ? वो मेडिकल हुआ आपका रिजल्ट आने के बाद में मेडिकल हुआ, या रिजल्ट से पहले भी मेडिकल हुआ तो रिजल्ट आया था जनवरी में। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका 16 जनवरी को मेडिकल हुआ था। तो 16 जनवरी को मेडिकल हुआ तो देखिए, तुरंत तो आपके डॉक्यूमेंट्स एसएससी में नहीं जाए गए। जो 21 को जो रिजल्ट आया उसमें तो उन्हीं साथियों का रिजल्ट आया जो फिट थे, जो री मेडिकल का केस जीत कर फिट हो गए हैं। उनका भी डोजियर जो है वहां पहुंचने में समय लगेगा, कोर्ट का फैसला जो होता है। अब देखिए, कोर्ट फैसले के बारे में हम बात करते हैं कि सिंगल बेंच में आपके पक्ष में फैसला हो गया तो अब फोर्स के पास भी अधिकार है कि फोर्स उसकी अपील कर सकती है। फोर्स उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ये फोर्स का अधिकार बनता है कि वो उसके खिलाफ डबल बेंच में अपील कर सकती है। अब कुछ कैंडिडेट साहब, हमें तो 4 सप्ताह का समय था, हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई? देखिए, ज्वाइनिंग से पहले आपकी लिस्ट आएगी आपकी, और वैकेंसी जो फिल हो चुकी है तो वो नई वैकेंसी कैसे क्रिएट होगी? ये सब फाइल जो है आपकी एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर के टेबल पे जाती है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाती है, मंत्रालय में जाती है, मंत्रालय से उसका वित्तीय स्वीकृति मिलती है उसकी। उससे पहले जो फैसला होता है उसको जो हमारे फोर्स के लीगल ऑफिसर होते हैं वो उसकी स्टडी करते हैं कि इसमें कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जिसके आधार पर हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। यदि वो चैलेंज करते हैं तो आपके पास नोटिस आएगा, यदि चैलेंज नहीं करते हैं तो फैसला उनको मानना पड़ेगा। यदि फैसले को नहीं मानते हैं, कुछ हमारे आईटीबीपी ड्राइवर के साथी जो हैं वो बड़ा बहसबाजी करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे कि आईटीबीपी कोर्ट केस को नहीं मानती। ऐसा नहीं है, देखिए किसी भी फोर्स के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए, और कोर्ट केस को नहीं मानती ये भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बात जो आप कह रहे हैं ये भी कोर्ट की अवमानना हो सकती है। लेकिन ठीक है, आप मैसेज करते हैं, आपको जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं है, हम जो हमें लगता है कि इनको बताना चाहिए हम तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि हम क्या कंटेम्प्ट पिटीशन दायर कर दें हम। देखिए, कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो उसके लिए आप अपने एडवोकेट से राय लीजिए, जो एडवोकेट आपके फैसला करवाए हैं उनसे आप एक बार बात कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। हमारा 4 सप्ताह का समय दिया था, हमें तो 16 सप्ताह हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कंटेम्प्ट पिटीशन जो है उस वो आपके जो एडवोकेट फैसला करवाए उन्हीं के माध्यम से आप वो कंटेम्प्ट पिटीशन जो है लगाइए। पहले उनसे आप कंसल्ट कीजिए, आप डायरेक्ट कंटेम्प्ट पिटीशन की बात नहीं करें। हम ये भी आपको एडवाइस करेंगे कि आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि ऐसा पहले भी होता रहा है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपका ऑर्डर हो गया उसके बाद 5 दिन में कार्यवाही हो जाएगी, 2 दिन में कार्यवाही हो जाएगी, क्योंकि वो ऑर्डर जो है वो रिसीव होता है, उसके बाद वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसको पुटअप होता है, उसकी स्टडी होती है, वहाँ से मार्क कर दिया जाता है उसको, लीगल डिपार्टमेंट को मार्क कर दिया जाएगा, तो लीगल डिपार्टमेंट जो है वो उसकी स्टडी करेगा, जो फोर्स का लीगल डिपार्टमेंट है, और उनको लगता है कि इसके खिलाफ हमें अपील करनी चाहिए तो सरकार भी अपील कर सकती है, फोर्स अपील कर सकती है। अपील करेगी तो आपके पास में नोटिस आएगा। ऐसा नहीं है कि अपील कर दिया, एक कैंडिडेट ने हमें पूछा कि अपील कर देगी फोर्स तो क्या होगा, हमें पता कैसे चलेगा? आपको बिल्कुल पता चलेगा, अपील करेगी तो आपको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोर्स की बात सुन के डबल बेंच जो है वो उनके पक्ष में फैसला दे देंगे। आपको आपने जब रिट याचिका दाखिल की थी तब आपने जो नोटिस का जो कार्यवाही हुई थी वैसी ही कार्यवाही सेम होगी, अब आपके पास नोटिस आएगा यदि अपील होती है।
तो ये सब बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कंटेम्प्ट के लिए आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, आप हमें एडवोकेट से राय लीजिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि यदि आप जीत गए हैं तो देखिए आपका जो है 99% जो है आपका चांस है कि आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। 1% तो देखिए अभी फोर्स के पास अधिकार है कि वो अपील कर सकते हैं। अब वो अपील करते हैं, उसके बाद में जो सिंगल बेंच का फैसला है वो क्या डबल बेंच में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। फोर्स अपनी बात कहेगी, आप अपनी बात कहेंगे, दोनों की बात सुनकर जैसा सिंगल बेंच में फैसला हुआ वैसा ही डबल में हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में क्या होता है? माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में डबल बेंच में ही डायरेक्ट ऐसे फैसले लगते हैं। तो ये सब पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप जीत गए हैं। इंतजार कीजिए, अभी वेट कीजिए, वर्दी आपको मिलेगी। जय हिंद।